हेलो एवरीवन, दिस इज अमायरा। आई एम अ स्पिरिचुअल लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट, और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका डेली टैरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, बताएंगे आपको कि आपका आज का दिन यानी कि 2nd of July आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि जो है एरीज। एरीज कार्ड्स आपके लिए आए हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। आज का जो दिन है वो पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात में जा सकता है। जी हाँ, पुराना कोई स्कूल फ्रेंड या पुराना कोई लवर लौट के वापस आ सकता है, जिनके साथ आप कॉफ़ी के लिए बाहर भी जा सकते हैं, यानी कि उनके साथ जो मुलाकात है आपकी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है। और ये पुराना दोस्त आपको कोई अच्छा काम भी, नई अपॉर्चुनिटी भी ऑफर कर सकता है। कुल मिलाकर के दिन आपका अच्छा ही रहेगा, लोगों के साथ मिलनसार होते हुए आज आप नज़र आ रहे हैं। कलर की अगर मैं बात करूँ तो स्काई ब्लू कलर लकी रहेगा। नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर 6 आपके लिए लकी रहेगा। टॉरस वृषभ राशि कार्ड्स आपके लिए आए हैं 5 of Wands एंड 4 of Pentacles। यहाँ पे मुझे आज आपके किसी के साथ बहस होती हुई नजर आ रही है, और ये बहस जो है पैसे को लेकर के और प्रॉपर्टी को लेकर के हो सकती है। किसी लैंड डिस्प्यूट को लेकर के भी आप लोगों के साथ में यहाँ पर लड़ाई झगड़े थोड़ा सा करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेशर काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। ये लड़ाई झगड़ा आपस में पार्टनर्स के बीच में भी हो सकता है, सिबलिंग्स के बीच में भी हो सकता है। अगर आज आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं खास करके किसी प्रॉपर्टी में, तो उसके लिए आपका समय बहुत ही अच्छा है। कलर की अगर हम यहाँ बात करें तो रेड कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 4 आपके लिए लकी रहेगा। जेमिनी मिथुन राशि कार्ड्स आए हैं दी लवर्स एंड 10 of Pentacles। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अपने लव्ड वन के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में, मतलब यानी कि कोई प्रेमी है या प्रेमिका है उसके साथ भी काफ़ी अच्छा समय आज आप बिताएंगे। बिजनेस की भी अगर हम बात करें या पैसे की बात करें तो मनी फ्लो मुझे बहुत अमेजिंग नज़र आ रहा है। किसी प्रॉपर्टी के सेल होने की वजह से भी आपके पास काफ़ी अच्छा अमाउंट आ सकता है। और अगर आप बिजनेस में हैं तो आज बिजनेस में भी कोई नई प्रोजेक्ट जो है, कोई नई डील आज आप क्रैक करेंगे, जिसकी वजह से आपको आने वाले वक्त में मॉनिटरी फायदे बहुत ज़्यादा होंगे। कलर की अगर मैं बात करूँ तो ग्रीन कलर लकी रहेगा। नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर 6 आपके लिए लकी रहेगा। कर्क राशि कैंसर कार्ड्स आए हैं द जजमेंट एंड 8 of Cups। काफ़ी ज़्यादा गहन सोच में आज आप मुझे डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अलूफ और अलोन फील कर सकते हैं। आपका इंस्टेंट ट्रैवल हो सकता है, और आज जो है आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस की यात्रा भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी भी उसमें रहते हो, किसी भी ईस्ट को अपने मानते हैं, आप वैष्णो माता को मानते हैं, तो हो सकता है आप वैष्णो देवी जाने का प्लान कर लें। आप बंगलामुखी माँ को मानते हैं, बंगलामुखी जाने का प्लान कर सकते हैं। आप शिव बाबा को मानते हैं तो हो सकता है आपकी प्लानिंग केदारनाथ की बन जाए। पर आज का दिन ऐसा है जो आपको किसी न किसी स्पिरिचुअल प्लेस की जो है यात्रा करवा सकता है। अगर आप यात्रा नहीं करेंगे तो आज वहाँ की टिकट ज़रूर बुक हो रही है, वहाँ का प्लान ज़रूर फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है। कलर की अगर हम बात करें तो गोल्डन कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 8 आपके लिए लकी रहेगा। सिंह राशि लियो कार्ड्स आए हैं द फूल एंड 2 of Swords। लाइफ में ना समटाइम्स बहुत ज़्यादा सोचना समझने से ना कुछ नहीं हो रहा था, यू शुड गो विद द फ्लो। तो आज का दिन कुछ ऐसा ही है आपका। आपके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, बट यू आर स्टिल थिंकिंग व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो यहाँ पर आपको मैं यही सलाह दूंगी कि ज़्यादा मत सोचिए। थोड़ा सा जैसे बच्चे का एक बिहेवियर होता है ना, उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता क्योंकि उसे डर के बारे में पता ही नहीं है, तो वो बिल्कुल अपने नेचुरल सेल्फ की तरह रहता है। तो आज आपने भी कुछ वैसा ही करना है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। गो विद द फ्लो, डोंट थिंक मच, टेक द रिस्क। अगर कोई रिस्क भी लेना है काम में, कोई पेमेंट आपको करनी है, कुछ स्टार्ट करना है, उसमें कोई रिस्क लेना पड़ता है तो ले लीजिए। ये रिस्क आपको आगे जा करके फलने वाला है, प्रॉफिट देगा। कलर की हम बात करें तो स्काई ब्लू कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 2 आपके लिए लकी रहेगा। वर्गो कन्या राशि कार्ड्स आए हैं द टेम्परेंस एंड 7 of Cups। आज का दिन मॉनिटरी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा स्लो दिखाई देता है। काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। होता ना कई बार काम पे तो आज हम गए नहीं हैं, दिन में आराम से चद्दर तान के सो रहे हैं और खूब मीठे मीठे सपने भी देख रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे ये मिल गया, मैं फेमस हो गया। बट मेरी जान, काम करना पड़ेगा, एक्शन लेने पड़ेंगे। तो ये डे ड्रीमिंग आज आप मुझे बहुत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि सपनों का महल आप बनाए जा रहे हैं। टेम्परेंस हमको ये मैसेज भी दे रहा है कि अगर आपके मन में किसी को लेकर के चाहत है तो उनके साथ आज अपना इजहार कर सकते हैं, उसके लिए समय बहुत ही उत्तम है। कलर की अगर हम बात करें तो रेनबो कलर्स आर लकी फॉर यू। नंबर्स की बात करूं तो नंबर 7 इज लकी फॉर यू। लिब्रा तुला राशि कार्ड्स आए हैं द मैजिशियन एंड 5 of Swords।
आज आपको थोड़ा सा संभल के चलना है और थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बिहेवियर अगर आप अपना लेंगे आज अपना, तो आपका दिन जो है वो सफल हो जाएगा। लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, फैमिली से भी परेशानी आ सकती है और वर्क प्लेस पे भी अपने बॉस के साथ में या कलीग्स के साथ में बहस होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप थोड़ा सा डिप्लोमेसी का यूज़ करेंगे तो आप इस बहस से भी बच सकते हैं और इन आने वाली प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। यू हैव टू जस्ट एक्ट स्मार्टली। आप लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हो तो उसको मैनिफेस्ट कीजिए। आपकी जो एनर्जीज हैं मैनिफेस्टेशन की वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई हैं और आपको काफ़ी सपोर्ट भी कर रही हैं। कलर की मैं पे बात करूँ तो पिंक कलर आपके लिए लकी रहेगा। नंबर्स की बात करें तो नंबर 1 आपके लिए लकी रहेगा। स्कॉर्पियो, कार्ड्स आए हैं 7 of Coins एंड नाइट ऑफ Swords। आप यहाँ पर मुझे अपनी किसी पेमेंट का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि आज कोई पेमेंट रिसीव होनी थी पर मुझे उसके अंदर डिले दिखाई देता है, वो पेमेंट आपको रिसीव नहीं होगी, उसमें डिलेज दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड ये इंडिकेट करता है कि काम को लेकर के सडन ट्रैवल आज आपको करना पड़ सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, देयर वॉज नो प्लानिंग, यू जस्ट वेंट टू द ऑफिस फॉर सम वर्क एंड सडनली आपको पता चलता है कि आपको तो शाम को ही मुंबई निकलना पड़ेगा। दिस काइंड ऑफ अ ट्रैवल इज़ कमिंग फॉर यू। अगर आपके घर में कोई डॉग है, आप लोग डॉग लवर हैं, तो अपने डॉग को फीड कराइए, उसको बाहर स्पा के लिए लेकर के जाइए, उससे भी आपको जो है काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। कलर की मैं बात करूँ तो ग्रीन कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करें तो नंबर 7 आपके लिए लकी रहेगा। सेजिटेरियस, कार्ड्स आए हैं 5 of Swords एंड 3 of Cups। यहाँ पर पुराने दोस्तों के साथ में मिलना जुलना, शॉपिंग भी करने जा सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा, इवनिंग होते होते किसी अच्छे गेट टुगेदर में जाना, फैमिली के किसी फंक्शन में जाना, लेकिन उस फंक्शन में भी आपकी किसी के साथ कोई ना कोई आज लड़ाई हो सकती है, झड़प हो सकती है, मारपीट तक भी हो सकती है। तो इस ऐसा करने से यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। कोशिश कीजिए शब्दों पर अगर नियंत्रण पाल लेंगे तो ये लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि ये लड़ाई की जो बेस दिखाई दे रहा है वो कम्युनिकेशन ही है, यानी कि किसी ना किसी की बोली की वजह से, शब्दों की वजह से या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज की वजह से आज आपकी किसी ना किसी के साथ फाइट हो सकती है, बट आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। रेस्ट, पूरा जो दिन है वो काफ़ी हैप्पीनेस भरा दिखाई दे रहा है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, दिन अच्छा जाएगा, काफ़ी पॉजिटिव है। मैंने बताया शॉपिंग करने के लिए दिन बहुत अच्छा है और पार्टीज़ करने के लिए भी आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कलर की अगर हम यहाँ बात करें तो पर्पल कलर बहुत लकी रहेगा आपके लिए। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 3 इज लकी फॉर यू। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कार्ड्स आए हैं 2 of Swords एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आपको लेना पड़ रहा है, आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपको आज कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, तो आज आपने जानबूझ के नोइंगली उस चीज़ को डिले करना है। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आज आपने नहीं लेना है। हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, खास करके अपनी आँखों का, आई रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आज आपको हो सकती है। जो भी मन में है उसको स्पष्ट रूप से जो है बोलना सीखिए, वो बोलना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना क्लियर कम्युनिकेशन रखोगे उतनी सक्सेस आज आपके हाथ लगेगी। कलर की मैं यहाँ पे बात करूँ तो लाइट पर्पल कलर इज लकी फॉर यू। नंबर्स की बात करें तो नंबर 2 इज लकी फॉर यू। एक्वेरियस, कार्ड्स आए हैं 8 of Swords एंड जजमेंट। एक्वा, आपके साथ जनरली ये हो ही जाता है कि आप बहुत जल्दी किसी भी सिचुएशन में जाकर के फंस जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? वैसे तो आपकी बुद्धि को बहुत तेज बताया गया, आप एयर एलिमेंट हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा ही कर लेते हैं और उसी वजह से ज़्यादातर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज की एनर्जी भी कुछ ऐसी है, काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन आपको लगेगा जैसे अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। आप चाह कर के भी आज कुछ बहुत एक्शन अपनी लाइफ में नहीं ले पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा स्टक नज़र आ रहे हैं। प्रॉब्लम शाम होते होते और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हेल्थ का भी खास करके एक्स्ट्रा ध्यान रखिए। किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाना, मंदिर में जा करके दान पुण्य करना, भूखों को खाना खिलाने से आपको आपकी इन प्रॉब्लम से निजात मिल सकती है, तो आज आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। कलर की मैं बात करूँ तो येलो कलर इज़ लकी फॉर यू। नंबर्स की बात करें तो नंबर 8 इज़ लकी फॉर यू। स्पाइसेस, मीन राशि, कार्ड्स आए हैं 6 of Cups एंड 8 of Wands। आज आप अपने किसी लवर से मिलने के लिए ट्रैवल कर सकते हो, हो सकता है वो आप दोनों डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर से मिलने के लिए जो है कहीं दूर देश भी जा सकते हैं, दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली फ्लाइट ट्रैवल दिखाई दे रहा है। कुछ केसेस के अंदर आपके बच्चे हो सकते हैं दूर रहते हैं, वो आपसे मिलने के लिए आ जा सकते हैं, तो काफ़ी फैमिली टाइम और अच्छा जो है दिन दिखाई दे रहा है। आज के दिन आपको कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ भी जो है, कोई ना कोई गुड कम्युनिकेशन भी ज़रूर आएगा आपके पास में, अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी। कलर की मैं यहाँ पे बात करूँ तो ब्राउन कलर लकी रहेगा। नंबर्स की अगर हम यहाँ बात करें तो नंबर 6 इज लकी फॉर यू। तो ये था आपका आज का डेली टैरोस्कोप। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।